नमस्कार भैया बहनों, मैं सूर्य प्रकाश खंडेलवाल, आचार्य उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर निवाई। आपका आज इस वीडियो में जो संस्कृत विषय का कार्य चलेगा उसमें स्वागत है। संस्कृत विषय के प्रारंभ में अपने जो द्वितीय कक्षा की जो संस्कृत विषय की जो पुस्तक है देववाणी संस्कृत, उसका पहला जो काम है वो वंदना का है। वंदना से शुरू करते हुए आगे प्रथम पाठ के शब्दार्थ को हम समझेंगे। तो पहले है वंदना, इस वंदना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये ईश्वर की वंदना है कि हे प्रभु, आप सब कुछ हो, यानी तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही भाई और धन दौलत सभी तुम ही हो, यानी उनको समर्पण किया है, सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को याद किया है। इसके बाद है प्रथम पाठ के शब्दार्थ जो संज्ञा पदानी के नाम से उसमें लिखा हुआ है, संज्ञा शब्द से संबंधित। पहला जो शब्दार्थ है वह गणेश है, गणेश जी, यानी विसर्ग ये लगा हुआ है चिन्ह। उसके बाद है बालक है, यानी जो चिन्ह होता है विसर्ग चिन्ह, इसमें है की ध्वनि निकालते हैं। बालक है मतलब है लड़का, हिंदी अर्थ इसका लड़का। गज है हाथी, हाथी को संस्कृत बोलते हैं गज है। चौथा जो शब्दार्थ है सिंह है, सिंह यानी शेर। उसके बाद है शारदा, शारदा का जो हिंदी अर्थ है वो तो सरस्वती माता, उसको शारदा बोलते हैं संस्कृत में। फिर है बालिका, बालिका यानी लड़की। आगे है अजा, अजा कहते हैं बकरी को। फिर बाद में महिषी, महिषी होती है भैंस, भैंस को संस्कृत में महिषी बोलते हैं। फिर नवा जो शब्दार्थ है पुस्तकम, उसका मतलब है पुस्तक या किताब। दसवां है पुष्पम, पुष्पम यानी फूल, किसी भी प्रकार के फूल उसको पुष्पम बोलते हैं। फलम, ग्यारहवां जो शब्दार्थ है फलम, फल, जो भी किसी प्रकार के किसी भी रूप के जो फल हैं उनको संस्कृत में फलम बोलते हैं। नाम फिर बाद में अलग, आम्रम कदली फलम, ऐसे केला आम्रम आम दाढ़ी मनार, वो फिर उनके नाम अलग बढ़ जाते हैं जो अलग है, बाकी सामूहिक रूप तो फलम फल। फिर है कंदुकम, कंदुकम यानी गेंद। तो इस प्रकार ये 12 तो शब्दार्थ और ऊपर ये इस वंदना है, इसको अच्छे से लिखेंगे याद करेंगे। धन्यवाद।